हेलो तायम, किसका फोन है? ताई अम्मी का। तो बात करो, बेला वजह होल्ड करा है। जी ताई अम्मी। हेलो बेटा, मैंने बहुत सवेरे तो फोन नहीं कर दिया ना? नहीं, हम लोग उठे हुए थे। बस मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। क्यों भाई, मैंने तुम्हें जो जबरदस्ती भिजवा दिया था इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान तो नहीं हुई ना तुम जाकर? नहीं। क्या बात है यार, बहुत चुप चुप हो तुम। नहीं ताई अम्मी, अभी सो के उठे इसलिए। अच्छा ये बताओ, रमीज ऑफिस चला गया? नहीं, यही है, मैं उन्हीं के साथ बैठी हूँ। कल तक कोशिश कर रही थी और आज माशाल्लाह उन इन पर आ गई। उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, आज का क्या प्रोग्राम है, आ रही हो? पता नहीं, डिसाइड नहीं किया, पूछ के बता दूंगी। क्या मतलब डिसाइड नहीं किया, अपने मियाँ से पूछ के बताओ। जल्दी करो, मेरा लंच भी बनाना है। टाइमी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, रमीश को देर हो रही है, मुझे उनका लंच बनाना है। हाँ हाँ बेटा जरूर, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? आपका लंच बनाने के लिए। बन जाएगा लंच, बैठ। बताओ तो सही, ताई क्या कह रही थी? खैरियत पूछ रही थी। तुमने भी उनको खैरियत ही बताना थी ना, घर की बात किसी से शेयर तो नहीं करते। वैसे एक बात बताऊं, I don't trust you. बल्कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें औरत जात पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने घर की लैंडलाइन और इंटरनेट डिस्कनेक्ट करवा दी, तुम्हारे फोन का क्रेडिट सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन फ़ायदा तो कोई नहीं, फिर भी इनकमिंग तो आएगी। ओप्स, तो इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन भी ऑफिस ले जा रहा हूँ। रमीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जी मेरी बागी हसीना, तुम कुछ भी कर सकती हो और मैं चांस नहीं ले सकता। चलो देर हो रही है, तुम लंच बना देना। हाँ से कहें से प्लीज यहां से ले जाए, बहुत स्टफ कर रहा है। मैं ले जाता। बेबी का बैग भी ले जाएगा, डायपर्स चेंज होंगे।